सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। और आप सभी कैसे हो भाई? ध्यान देना, मैं आज आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ जो वर्गमूल से संबंधित है। वर्गमूल, जैसे इन संख्याओं के हमें वर्गमूल निकालने, इन संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाई जब भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ तो ऐसी ट्रिक बताता हूँ, ऐसी ट्रिक जो आपकी दिल की गहराई तक पहुँचती है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, ध्यान देना। जब भी ऐसा कोई भी सवाल आपके पास आता है जिसका आपको वर्गमूल निकालना हो, अब इन संख्याओं के वर्गमूल हल करने के लिए इनका एक पैटर्न होता है, इनका बेस होता ही होता है a प्लस वी का होल वर्ग होता है, a प्लस वी का होल वर्ग होता है। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसका बेस, जब तक बेस समझ नहीं आएगा तब तक ट्रिक काम नहीं करेगी। पहले बेस देखिए इसका, a प्लस वी का होल वर्ग होता है, आप बोलते हो a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस टू ए बी। आप ध्यान दे रहे हो, जब इसका हम ए प्लस बी का होल कर रहे हैं तो अंत में हमें मिल रहा है टू ए बी। क्या मिल रहा है? टू ए बी। तो ये चीज विशेष ध्यान देना है, टू ए बी। तो जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो यहाँ पे आपका टू होना आवश्यक है। अगर यहाँ दो नहीं है तो आपको वहां दो बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ आपका दो होना आवश्यक है क्योंकि ए प्लस बी का होल खोलो आप तो 2AB आता है, तो 2AB होना आपका वहां पे आवश्यक है। अब देखिए मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक देखिए इसकी। ट्रिक क्या होती है, आपका यदि यहां पे दो है, क्या है? दो। अगर आपको यहां दो दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या अंतिम रूट के अंदर है उसको ऐसे दो खंडों में तोड़ो, ऐसे दो खंडों में तोड़ दो कि दोनों खंडों को यदि जोड़े तो उनका योग आठ हो जाए। इस संख्या का ऐसा गुणनखंड कीजिए भाई मेरे कि यदि दोनों गुणनखंडों को हम जोड़े तो हमारा आठ बने। आप कर सकते हो पांच और तीन, बात सही है, पांच तीन पंद्रह और जोड़ोगे तो आठ हो जाएगा। निशान इनके बीच में क्या लगा दो, प्लस का ही आएगा, प्लस, और दोनों संख्याओं के ऊपर लगा दो अंडर रूट। ये आपका क्या बन गया भाई आंसर। देखिए कितनी सिंपल ट्रिक है। आपने क्या किया, जो यहां दो होना आवश्यक है, यहां दो मिलेगा ही आपको, अगर नहीं होगा तो आपको वहां दो बनाना पड़ेगा भाई मेरे। अंदर वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि दोनों गुणनखंडों का यदि हम योग करते हैं तो हमें ये वाली संख्या मिलना चाहिए। तो हमने पंद्रह का किया, पांच और तीन होता है, पांच दिया पंद्रह जोड़ोगे तो आपका आठ बनेगा। मध्य में प्लस का निशान लगे दोनों के ऊपर, टोपी पहना दो दोनों के सर के ऊपर, वही आपका आंसर होता है। देखिए इसको भी हम तोड़ सकते हैं, यहां क्या आ रहा है, दस। ऐसा तोड़ो, यहां दो आपको दिख रहा है, ऐसा तोड़ो कि दोनों खंडों को यदि जोड़े तो सात बने। तो भाई मेरे क्या होगा, हाँ बोलिए, पांच और दो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो सात बनेगा, और यदि इनका गुना कर देंगे तो दस बनेगा। और दोनों पर लगा दो टोपी, ये लीजिए ये लीजिए, बन गया इसका आंसर ये, इसका आंसर है। अब बात आती है कि जब यहां पे दो ना मिले तो फिर दो कैसे बनाएंगे। देखिए मैंने उसके लिए आपके लिए एक सवाल और लिखा हुआ है। यहां पे आपको दो नहीं दिख रहा है मेरे भाई, तो यहां पे आपको दो बनाना पड़ेगा, कैसे देखिए ध्यान से। यहां लिखा हुआ है 16 प्लस, इसको तोड़ दो, ऐसे खंड में तोड़ना है कि एक खंड इसका दो, तो दो गुना तीन, टूट गया। अब इस तीन को यहां से हटाओ, इसके अंदर क्या है, सात है। इस तीन को यहां से हटा के इसके अंदर लिख जाओ मेरे भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 प्लस दो, क्योंकि मुझे यहां दो लेके आना है, इस तीन को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, तो इस तीन को मैं यहां से हटाता हूं और इसके अंदर ले आता हूं। ध्यान देना, जब तीन इसके अंदर आ रही है किसके उड़ के, तो वर्ग बन के आएगी। तीन का वर्ग नौ होता है, क्यों कि जब नौ को इससे वर्ग से बाहर निकालूंगा तो तीन के रूप में निकलेगा, बात समझ आई। ये तीन जब इसके अंदर जाएगी, यहां की संख्या उड़ के अंदर जाती है तो भाई वर्ग बन के जाता है, और जब उड़ की संख्या को बाहर निकालते हैं तो वर्ग मूल्य बन जाता है। ध्यान देना, जो तीन है अंदर क्या हुआ, नौ, तो नौ को जब मैं बाहर निकालूंगा तो तीन आंसर, तीन बनेगा उसका।
ये भी है, इसका गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी गुणनखंड रखा हुआ है 7 गुना 9, दोनों को यदि जोड़ोगे तो क्या बनेगा 16 बनेगा। तो इनको लिख सकती हूँ 9 + 7, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट, आपको पता होना चाहिए 9 का क्या निकलेगा वर्गमूल 3 + √7, ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल सवाल है, ध्यान देने वाली बात है, आपको इसमें करना क्या है, 2 आपको बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके अन्य सवालों की ट्रिकें भी मैं आपके पास लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे होता यह है कि जब भी कोई ट्रिक आएगी तो आपके पास तुरंत मैसेज आएगा मेरा।